यामा 250, तो उसकी डिस्क पैड और व्हील बैरिंग दोनों चेंज करने वाले हैं। और इसकी जो पीछे के डिस्क पैड हैं वो भी पूरे जा चुके हैं, तो मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। वीडियो के आप तक बने रहे आप। के ब्रेक पैड के दो लॉक आते हैं, इन दोनों को रिमूव कर लेना है कटिंग ब्लेड से। तो ये बहुत ही आसानी से दोनों डिस्क पैड हमारी बाहर आ चुकी है। देखो डिस्क पैड पूरा अभी डिस्क प्लेट को टच हो रहा है, तो इन दोनों को हम चेंज करते हैं। उससे पहले हम इसका व्हील खोल लेते हैं, क्योंकि इसकी व्हील बैरिंग भी दोनों जा चुके हैं। दोस्तों ये बैरिंग निकालने से पहले बैरिंग के ऊपर इसके सील आती है, तो उसको निकाल लेना है हमको ऐसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। दोनों साइड में सील आती है, ये दोनों सील बाहर आ चुकी है। अभी बैरिंग को निकाल, कोई भी एक रोड लेके और बैरिंग के अंदर डाल के तो उसको चेक करना है हमारा बैरिंग को टच हो रहा है या नहीं। देखो अभी बैरिंग को टच हो रहा है, साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो बैरिंग हमारा बाहर आ चुका है, और इसके अंदर का स्लीव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बैरिंग डालते वक्त एक बैरिंग डालने के बाद इसको सेंटर में डालना है वापस। तो दोनों बैरिंग हमारे आ चुके हैं, बैरिंग की इस वक्त बहुत बुरी हालत है इसकी। देखो आप देख सकते हो वीडियो में, डालने से पहले इसको साफ कर लेना है बैरिंग के चैम्बर को। तो ये हमारे बैरिंग है दोस्तों, 6202 इसका नंबर है बैरिंग का, ठीक है। बैरिंग डालने के बाद इसके ऊपर का जो सील था हमारा, तो हम साफ करके अच्छे से डाल लेते हैं। टायर को इसको हमने पलट लिया है दूसरा बैरिंग डालने के लिए, तो इसका जो सेंटर का स्लीव था वो हम डाल लेते हैं, और फिर इसका दूसरा बैरिंग ऊपर से डाल के फिट करेंगे।
फिर से वही काम करना है दोस्तों, जो हमारा सील था दूसरी साइड में भी साफ करके सील को लगा लेना है। तो ये बैरिंग डाल के हमारा व्हील तैयार हो चुका है, तो उसको फिट करते हैं। व्हील के दोनों साइड में दो स्क्रू आते हैं, तो एक उधर तो एक उधर, दोनों साइड में लगा लेना। ये हमारा एक्सीलेंट बहुत ही इजी से फिट हो चुका है दोस्तों। इसकी वॉशर डाल देना है और उसके ऊपर का नट तो ये इसका नट है, इसको हम टाइट कर लेते हैं। और इसको टाइट करने के वक्त अगर हमारा एक्सल घूमता है तो उधर हम एक 17 नंबर का रिंग डाल के वहाँ से लॉक करेंगे, और फिर से इधर 22 नंबर का रिंग डाल के इसको टाइट करेंगे। तो ये हमारा बैरिंग हम डाल चुके हैं, अभी इसमें डिस्क पैड जो है उसको डालते हैं। एक छोटा प्लास है, इसको एडजस्टर ब्लेस भी बोल सकते हैं, तो इसकी मदद से दोनों पिस्टनों को अंदर की तरफ धकेल लेना है। तो देखो दोनों पिस्टन हमारे अंदर जा चुके हैं, जिसके जो पिस्टन है डालने से पहले डिस्क मास्टर को अच्छी तरीके से ग्रीस लगा लेना है, ताकि बहुत स्मूथली हमारा डिस्क काम कर सके। ये हमने इसमें ग्रीस लगा चुके हैं, डिस्क को डालते हैं इसमें। एक बहुत ही इजी से फिट हो चुका है। पैड चेंज ಐತ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆ ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಎರಡು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾ ಎದುರ್ದು तो ये हमारा डिस्क पैड है दोस्तों। दोनों डिस्क पैड डालने के बाद में ऊपर की ओर से ये पिन डालने के इसका। इसका दोनों लॉक फिर से वापस डाल लेना है।
ये दोस्तों बराबर गैप करके डिस्प्लेट के बीच में, तो इसको हमको डिस्प्लेट में बिठाने हैं। बहुत इजीली हमारा डिस्प्लेट बैठ चुका है इसमें, तो उसके दोनों बोल्ट डाल लेते हैं हम। तो डिस्पैट जो है हमारा सेट हो चुका है, अभी लीवर को इसको प्रेस करेंगे। देखिए डिस्क पैड और व्हील बैरिंग हम चेंज कर चुके हैं, पीछे का जो अभी डिस्क पैड है इसका ये भी पूरा जा चुका है, तो इसको खोलने के लिए हमको एक 5 नंबर का एलकी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो बहुत ईजी है, पीछे का ब्रेक शू ब्रेक पैड आप घर पर भी चेंज कर सकते हैं इसका। इसमें 2 एलन की बोल्ट होते हैं, एक स्लीव बोल्ट आ चुका है इसका हमारा, तो नीचे का एक बोल्ट और है इसमें, उसको भी हम खोल लेते हैं जल्दी से। ये भी रिमूव कर चुके हैं हमने, ठीक है। इसमें और एक काम करना है, हमारा जो ये कैलिबर का जो पिस्टन है यहाँ पे डिस्क पैड के सेंटर में, यहाँ पे इसको ड्रेड डाल के इसको पीछे की ओर कर लेना है। देखो हमारा पिस्टन जो है वो पीछे जा रहा है और स्क्रू ड्रेवर जो है अंदर जा चुका है। बिल्कुल अंदर जा चुका है और यहाँ पे देखो कितना गैप है। दोनों पैर बाहर जा चुके हैं हमारा। ये डिस्क पैड है, दोनों को एक साथ में रख के अंदर की ओर धकेलना है। दोस्तों हमारा पैड बैठ चुका है अच्छे तरीके से, हम इसका भी पहले वाला पिन डाल लेते हैं। तो देखो पिन बहुत इजी से पूरा इजी जाना चाहिए, ये नहीं है कि आपको मार के डालना पड़े या काफ़ी टाइट जाए, बहुत ही आराम से फ्री जाना चाहिए। तो ये दूसरा पिन है हमारा, इसको भी डाल लेते हैं। पैड को नीचे की ओर से हाथ लगा के रखना है ताकि ऊपर की तरफ पुश रहे। पीछे का
जो हमारा पिन है वो जाने में थोड़ा टाइट जा सकता है, तो स्क्रू ड्राइवर डाल के पैड का नीचे की ओर, तो पैड को ऐसे स्क्रू ड्राइवर को पुश करना है जो पैड ऊपर की ओर आए, ठीक है। तो बोल्ट दोनों हमारे स्लीव अंदर जा चुके हैं, इनको हम जल्दी से टाइट कर लेते हैं। दोनों बोल्ट को बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, जो कि हमने कर लिए है। और अभी हम इसको ब्रेक लीवर को पुश कर दें, तो देखो पिस्टन हमारा बाहर आ रहा है और ब्रेक ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। देखें बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ब्रेक जो है काम कर रहा है। थैंक यू। अब अंदर भी